जब भी कोई भी प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन करते हो तो उस डॉक्यूमेंट या उस एग्रीमेंट के शुरुआत के पन्नों में आपको इंडेक्स टू ये डॉक्यूमेंट दिखाई देगा। इंडेक्स टू में आपको प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन का जो आपका ट्रांजैक्शन है उस ट्रांजैक्शन का एक पूरा समरी आपको उसमें मिलेगा। सेलर और परचेसर कौन था, प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू क्या है, प्रॉपर्टी का एग्जैक्ट एरिया और डिस्क्रिप्शन, आपने रजिस्ट्रेशन के उस एग्रीमेंट के ऊपर स्टैम्प ड्यूटी कितनी पे की, रजिस्ट्रेशन चार्जेस कितने पे किए, डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन नंबर, ये सारी जो बेसिक फंडामेंटल चीजें होती है वो आपको इंडेक्स टू इस डॉक्यूमेंट में मिल जाएगी। जब भी आप किसी भी प्रॉपर्टी का ट्रांसफर कर रहे हो बाय वे ऑफ सेल डील या एग्रीमेंट टू सेल, या आप आपके फैमिली या नजदीकी फ्रेंड्स को अगर आप बाय वे ऑफ गिफ्ट विल या रिलीज डीड से अगर आप ट्रांसफर कर रहे हो, तब आपको वो डॉक्यूमेंट का रजिस्ट्रेशन करने से पहले इंडेक्स टू का डॉक्यूमेंट आपको जरूर लगेगा। या आप किसी बैंक से अगर आप उस प्रॉपर्टी से के अगेंस्ट लोन उठा रहे हो, तब भी आपको वैल्यूएशन रिपोर्ट निकालने के लिए इंडेक्स टू इस डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी। इंडेक्स टू ऑफ प्रॉपर्टी कहीं पर भी उस प्रॉपर्टी के लीगैलिटी के बारे में बात नहीं करता, मगर इंडेक्स टू जो डॉक्यूमेंट होता है वो सिर्फ वो प्रॉपर्टी जो है जो ट्रांसफर हुई बाय वे ऑफ सेल सेल डीड या गिफ्ट या विल, जो भी मोड ऑफ ट्रांसफर है, उस ट्रांसफर के रजिस्ट्रेशन का प्रूफ मतलब इंडेक्स टू का डॉक्यूमेंट होता है। थैंक यू सो मच।